लेडीज एंड जेंटलमैन, चलो शुरू हो गया है दोस्त। आज आप गोरिल्ला के साथ लाइव बैठे हो, क्या करेंगे आज? लाइव फंडामेंटल रिसर्च करेंगे। बाय द वे, इफ यू आर वॉचिंग दिस रिकॉर्डेड, आप इसको बाद में देख रहे हो कभी, यू आर नॉट सीइंग इट लाइव, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो यार, ये वीडियो लंबी होगी, छोटी नहीं होने वाली वीडियो है, बिकॉज आज ऑब्जेक्टिव क्या है, आज मैं आपको पूरी रिसर्च दिखाऊंगा, वो भी टाटा स्टील की, जो वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट स्टॉक्स है। तो टाटा स्टील की पूरी रिसर्च होगी, आपको डेटा भी साथ बताऊंगा, बट साथ ही साथ आई एम गोइंग टेल यू वेयर डिड आई फाइंड द डेटा फ्रॉम, हाउ कैन यू डू फाइंड द डेटा फ्रॉम, एवरी सिंगल थिंग। और बहुत स्पेशल चीज़ है, आपके वजह से, आपने इतना प्यार दिया है, हमारे 400K पूरे होने वाले हैं। अब 400K जब सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे, उसके लिए वी हैव अ स्पेशल बोनस एंड एक स्पेशल गिव अवे करें, जो मैं आपको इस वीडियो में ही बताऊंगा। तो गिव अवे क्या होगा इज दैट कि पहले हम आपको बताएंगे हाउ टू डू रिसर्च, फिर यू विल कंडक्ट रिसर्च ऑन एनी स्टॉक दैट यू लाइक, एनी स्टॉक, और हमें भेजो, एंड द विनर विल गेट अ बुक हमारी साइड से एंड अ 1-to-1 पर्सनल कॉल विद मी एंड आदित्य, सो दैट वी कैन सॉर्ट यू आउट। ओके, तो अगर देख सकते हो, सुन सकते हो, थोड़े हार्ट्स मुझे कमेंट बॉक्स में दे दो, एनर्जी मेरी पूरी आप पे, बिकॉज आज बहुत मजा आने वाला है। टेक्निकल्स, ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करनी है, कहाँ से स्टडी करना है, ये क्वेश्चन होते ना, आज के बाद ये क्वेश्चन खत्म। आइए, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो एक काम कर रहा हूँ मैं, आपको क्या दिखाता हूँ ना, लेट मी शो यू द एंटायर थिंग। आइए, इसको मैं इधर आ रहा हूँ। अब जैसे आप देखोगे, जनरली हमारी रिसर्च इज लाइक दिस, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सर। तो पहले हम बताते हैं टाटा स्टील क्या है, क्या नहीं है। तो अगर मैं स्ट्रक्चर रखूँ, What structure do I want to keep about the research? ठीक है, let's talk about the structure first. अब जब किसी stock आप research करोगे ना, उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, you read different books, different तरीके हैं, 50 चीज़ें हैं, ये depend करता है कि आप किससे comfortable हो, ठीक है। तो मैं आपको आज क्या structure बताने वाला हूँ, किस structure से आप research करोगे। सबसे पहले हम ढूंढेंगे about the company, ठीक है। आइए, मेरा एक board खुल गया, आई कैन सी द कमेंट्स, गोला ऑन टॉप। अभी तो आज रुको यार, अभी आराम से वीडियो देखो, आओ, ठीक है। तो सबसे पहले, वेन आई वॉन्ट टू डू अ फंडामेंटल रिसर्च ऑफ अ कंपनी, जैसे हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं, यू माइट आस्क कैसे हो रहा है, कहां से हो रहा है, हाउ कैन यू डू इट बाय सेल्फ, ऐसे ही होगा। सबसे पहला हम देखेंगे हाउ टू फाइंड अबाउट द कंपनी, कंपनी क्या है, कैसे होगा, सब कुछ उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद वी आर ऑल्सो गोइंग टू फाइंड आउट कि इंडस्ट्री के बारे में कैसे जानते हैं, हाउ टू नो अबाउट द इंडस्ट्री, हाउ टू नो कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, हाउ टू नो कि कॉम्पिटिशन में क्या हो रहा है, हाउ टू नो कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है, यही सब चीजें जाननी है ना। आज आपको सारे सोर्सेस पता चलने वाले हैं। उसके बाद आएगा कंपनी एनालिसिस, कि कंपनी में क्या अच्छी चीजें हैं, कंपनी के में क्या खराब चीजें हैं, वो एनालाइज कैसे करना है, एंड मेजरली आपको सोर्सेज में बताऊंगा। उसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल्स को हम देखेंगे, और उसके बाद हम जाएंगे टेक्निकल्स में और देखेंगे ग्राफ कैसा है, और ये पूरी रिपोर्ट ना कैसी कंपनी की आप बना के दोगे, मैं पूरा आपको बोनस दूंगा, और जैसे ही वो हो, जो भी जीतेगा उसको एक प्रॉपर गिव अवे होगा, 4K की, 400K की सेलिब्रेशन तो है ही है, दूसरा एक और सेलिब्रेशन है यार, कि हम चाहते हैं कि आप काम करो। मैं ना आपको धक्का देना चाहता हूँ कि एक धक्का लेके रिसर्च करना शुरू कर दो। रिसर्च एक बार करना शुरू करोगे ना, आपको इतना मजा आएगा ना, इतना मजा आएगा, मैं आपको क्या बताऊँ। और आज हम किस स्टॉक की रिसर्च करने वाले हैं, हम करने वाले हैं टाटा स्टील की रिसर्च। क्यों टाटा स्टील की रिसर्च करने वाले हैं, मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। आप में से बहुत लोगों ने कमेंट बॉक्स में टाटा स्टील के बारे में पूछा था। एंड दूसरा ना, स्टील इंडस्ट्री थोड़ी डिफिकल्ट है, इट्स नॉट दैट ईजी टू रिसर्च, इसका डेटा थोड़ा घुमा हुआ होता है, इसमें काफ़ी डिफरेंट टर्म्स होते हैं। जैसे अगर आप रॉ मटेरियल स्टील की देखोगे, देयर पिग आयरन होता है, स्पंज आयरन होता है, देन देयर क्रूड आयरन होता है, अलॉयज डिफरेंट होते हैं, अलॉयज वो होते हैं वो मेटल्स जो मिक्स करके बनाए हों, फिर स्टील के कट्स डिफरेंट होते हैं। तो बहुत बड़ी स्टील इंडस्ट्री है, थोड़ा डिफिकल्ट है, तो उसमें और मजा आएगा। बट आपको पता है ना आपके पीछे कौन खड़ा है, गोयला खड़ा हुआ है। तो हार नहीं माननी है, रुकना नहीं है, देयर विल बी पॉइंट्स जहां पे आप बोलोगे अरे यार मुझसे नहीं होगा, मुझसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ऐसी फीलिंग को बाहर निकाल के फेंक देना, तुम्हारे पीछे गोला खड़ा हुआ है यार, तो तुम्हें कोई टेंशन की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। रेडी तो कमेंट बॉक्स में सर रेडी लिख के बता दो, फिर लेट अस स्टार्ट रॉक एंड रोलिंग, ठीक है। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। और अगर इस लाइव वीडियो में मुझे 5000 लाइक्स मिल गए ना, 5000 लाइक्स, तो आप जिस स्टॉक को बोलोगे उस स्टॉक की लाइव वीडियो करेंगे, मैं तो फिर बोल रहा हूँ फिर लाइव वीडियो करेंगे ना इसकी सारी, उसमें और भी मजा आएगा फिर, ठीक है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट, चलते हैं। अब सबसे पहली चीज मैं ढूंढना चाहता हूं अबाउट द कंपनी। अब जैसे मेरी रिसर्च ऑलरेडी हो रखी है,
ठीक है, तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगा और आपको ये भी दिखाऊंगा कि हाउ कैन यू डू दिस रिसर्च। ठीक है, तो सबसे पहले चीज आती है अबाउट द कंपनी। अब टाटा स्टील वॉज एस्टैब्लिश बाय दिस 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 हर चीज, तो आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द कंपनी, आप कैसे ढूंढोगे सर? देखो बड़ी ही सिंपल चीज है और बहुत ही आसान चीज है, एंड आई होप वैसे आप इसको लिख भी लेना, मतलब आपके पास अवेलेबल तो होगा, बट मैं चाहूंगा आप लिखो। सीधा जाओ टाटा स्टील की वेबसाइट पे, मतलब सीधा कंपनी की वेबसाइट में सर आपको घुस जाना। ठीक है, आइए सर, ये टाटा स्टील की वेबसाइट मुझे पहले नंबर पे दिख गई। ठीक है, अब आप देखोगे वेबसाइट में बहुत सारी चीजें, अब ऑफकोर्स हर वेबसाइट का थोड़ा डिजाइन डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो आई गो टू मेन्यू हियर, यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे इन्वेस्टर्स मीडिया करियर्स ब्लॉग, तो आई वॉन्ट टू गो टू कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी कॉर्पोरेट आर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मैं अभी अबाउट द कंपनी जानना चाह रहा हूँ। कंपनी प्रोफाइल ये, ठीक है हटाओ सर इसको। ओके आ गए कंपनी प्रोफाइल, अब आपको दिख रहा है कंपनी के बारे में सबको लिखा हुआ है, मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ यार तो आपको शायद थोड़ा बेटर नजर आएगा। ठीक है आइए, अब ये देखिए इंडिया, नाउ आई वॉन्ट कि एक बार आप मुझसे पढ़ो, मेरे साथ पढ़ो एक बार। ठीक है, हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट होगा, एंड हो सकता है मैं आपको दोबारा मजाक नहीं करूँ, जब आप पढ़ोगे ना ऐसे दो टर्म्स होंगे जो आपको समझ नहीं आएंगे, ऐसी काफी चीज होंगी जो आपको समझ नहीं आएंगी, आपको इरिटेशन होगी मुझसे नहीं हो रहा, बट कोई नहीं, ये सब आसान हो जाएगा अगर आप वो कंपनी स्टडी करोगे जो आपको पसंद है। जैसे जोमाटो आपको धंधा समझ आता है वो पढ़ो आपको मजा आ जाएगा, जैसे FMCG ले लो, ऑटोमोबाइल ले लो। सिंपली मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आप तुम ना साले एक शार्क हो, क्या हो तुम? शार्क, कमेंट बॉक्स में लिखो क्या हो तुम, यू आर अ शार्क। शार्क टैंक देखा है ना, जब शार्क्स के सामने एक स्टॉक आता है या फिर वो जब शार्क सामने एक स्टार्टअप का लिए बंदा आता है पिच दे रहा होता है, शार्क्स उसको धुन देते हैं कि कंपनी क्या करते हैं, क्या बैकग्राउंड है, क्यों स्टार्ट करोगे, विजन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपटीशन क्या है, इंडस्ट्री क्या है, ये तो चलेगा नहीं, और फिर जाके डिसाइड कि वेदर दे वांट टू इन्वेस्ट नॉट। सिंपल, तुम दोस्त एक शार्क ही हो, ठीक है, स्टॉक मार्केट में शार्क हो, तो तुम्हें उस बिजनेस में पैसे डालने जो तुम्हें समझ आता हो और जिसका तुम धंधा समझते हो। सबसे स्मार्टेस्ट शार्क अकॉर्डिंग टू मी ना इज नमिता, फॉर श्योर उसका जो बेस्ट लाइन है, ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, आई एम आउट, विच इज़ फाइन। जैसे स्पेशलिटी केमिकल्स मुझे समझने बड़ी डिफिकल्ट आती है, मैं वो समझता ही नहीं हूँ, मुझे स्पेशलिटी केमिकल नहीं घुसता, मुझे इंटरेस्ट नहीं है उसमें। मैं किस बिजनेस में घुसता हूँ? बैंकिंग, रियल एस्टेट, इसमें मुझे मजा आता है, राइट? तो स्टील इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, हो सकता है डिफिकल्ट लगे, बट ट्रस्ट में अगर आपने वो धंधा चूज किया, उस धंधे के बारे में पढ़ना शुरू किया, सेम प्रोसेस जो आपको बता रहा हूँ, आपको बहुत मजा आने वाला है। शार्क 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 भाई, सब शार्क बैठे यहाँ पे, आ जाओ। ठीक है, नाउ रीड अबाउट दिस। टाटा स्टील established in Asia's first integrated private steel company in 1907. With this, we have also developed India's industrial city of Jamshedpur. Is sabko pata hai yaar. Today, we have Indian operations of nearly 20 metric tons per annum. We've registered a turnover of 91,037 crores in FY21. We also get second to greenfield plant of 3 metric tons per annum in the eastern state of Odisha in 2016. Matlab, aapko pura company ka idea pad jayega. ठीक है, अब हो सकता है कि यू माइट फील कि यार गोयला थोड़ी लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड है, होता है। मैं बताऊँ उसका फंडा क्या होता है, जैसे आप किसी महंगे रेस्टोरेंट जाओ, ठीक है, वो दाल तड़का को क्या बोल देता है, वो दाल तड़का को बोलते हैं दिस इज लेंटल सूप पॉइज्ड विद हॉट ऑयल फ्राइड विद गार्लिक कार्डमम दालचीनी व्हाटएवर, और लगता है कि भाई ये क्या है, जबकि बोलते हैं दाल तड़का है। तो है ये दाल तड़का ही, बस को फैंसी तरीके से लिखा हुआ है, आप समझ रहे हो, आपको बस समझ है दाल तड़का है, ऑर्डर करना तो करो, नहीं करना मत करो, सिंपल हिसाब। ठीक है, तो एक तो हो गया, देखो अबाउट द कंपनी वेबसाइट से पता कर लो। एक तरीका एक और आसान है, विच अ लॉट ऑफ टाइम्स आई प्रेफर, यू गो टू screener.in। अगेन ये कुछ प्रमोशन नहीं है, गोयला जब प्रमोशन करता है तो मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूंगा ये प्रमोशन है, तो कोई प्रमोशन नहीं है कि इस वेबसाइट का प्रमोशन है, ये आई प्रेफर, यू कैन गो टू सम अदर वेबसाइट ऑल्सो। ठीक है, आइए सर screener.in में आप लिख दोगे टाटा स्टील, लिख दो सर टाटा, अपना टाटा स्टील आ गया। अब यहां पे ये कॉलम आता है, देखो अबाउट द कंपनी, रीड दिस। ठीक है, टाटा स्टील इज एशियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्राइवेट स्टील कंपनी सेटअप। कंपनी क्या करती है, प्रोसेसिंग ऑफ आयरन कोर कोल टू प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग फिनिश प्रोडक्ट्स। पोर्टफोलियो देखिए, ये स्पेशल शीट बनाते हैं, ये स्पंज आयरन बनाते हैं, मैं आपको बता स्पंज के बारे में। इनकी मार्केट पोजिशन क्या है, दे इंक्रीज द शेयर टू अलॉय वायर रॉड बिजनेस। अलॉय मेटल्स वो होते हैं बेसिकली जो मिक्स होते हैं, मतलब इट्स नॉट अ प्योर सिंगल मेटल, मिक्स मेटल होते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता है उनको, अलॉय मेटल्स होता है, राइट? सब आपको मिल जाएगा यहाँ पे।
तो पहली चीज जो स्टेप नंबर वन है अबाउट द कंपनी कैसे ढूंढना है, पहले आपको ये जानना जरूरी है। और अगर आपको कंपनी का अबाउट द कंपनी समझ नहीं आ रहा ना, तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज ये धंधा आपको समझ नहीं आ रहा, आपको थोड़ा और समझना पड़ेगा। तो गिव इट टाइम, और हो सकता है ऐसे कुछ कुछ चीजें आए जो आप नहीं समझो, आगे जाके सब समझ आ जाएंगी। अगर ये क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में सी लिख दो सर, आगे बढ़ते हैं। अगर ये क्लियर है तो देखो सी, तभी गोला आगे बढ़ेगा, ऐसे आगे नहीं बढ़ा गोला। तो पानी पी रहे। इसके बाद अबाउट द कंपनी देखो, सिंपल टास्क है, ये हो गया। इसके बाद वॉट वी नीड टू डू इज द इंडस्ट्री एनालिसिस। अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, इंडस्ट्री को समझना, इंडस्ट्री को कैसे ढूंढना है, कैसे ढूंढना है, ठीक है। तो आप खुद सोचो, आपको एक इंडस्ट्री को पढ़ना है, एंड मोर स्पेसिफिकली स्टील इंडस्ट्री को पढ़ना है अभी, ठीक है, समझना है। क्लियर क्लियर परफेक्ट। कैसे समझोगे स्टील इंडस्ट्री को, कैसे समझोगे? गूगल करके। क्या गूगल करोगे आप, क्या गूगल करोगे आप? आप मैं दिखाता हूँ गूगल क्या करना है आपको। आइए सर, आपको सिंपली गूगल करना है स्टील इंडस्ट्री एनालिसिस। देख रहा है मैंने क्या गूगल किया है, मैंने गूगल किया है स्टील इंडस्ट्री एनालिसिस। बस जैसी आप ये गूगल करोगे ना, आपके पास यहाँ पे सारे सोर्सेज आ जाएंगे सारे, ठीक। अब इसमें क्रेडिबल सोर्सेज कौन कौन से हैं, सबसे पहला ये IBEF.org, दिस वेबसाइट इज एब्सोल्यूटली स्टनिंग, ठीक है। सबसे पहले सर ये वेबसाइट खोलो और देख रहे हैं क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। ये देखो कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कुछ है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने कुछ निकाला है, हमें तो पढ़ना पड़ेगा भाई इंडस्ट्री के बारे में, सरकार क्या करे क्या नहीं करे पता करना पड़ेगा। आ जाओ खोल दो सर इसको भी, खोल दिया, ठीक है। एंड इक्विटी मास्टर की रिसर्च ये नहीं चाहिए, इंटरनेशनल एक बार देखें, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, अब ये आयरन एंड स्टील, एक बार लेट मी जस्ट चेक ये क्या है। स्पॉटलाइट जीरो मिशन प्रोजेक्ट्स इन यूरोप, ठीक है, इन चीजें, ठीक है। जैसे ये इंटरनेशनल मार्केट का दिखा रहा है, मुझे अभी इंटरनेशनल मार्केट में नहीं जाना, ठीक है। अभी लेट्स स्टडी द इंडियन इंडस्ट्री। तो मैंने क्या किया, दोबारा बता रहा हूँ, IBEF.org जो गवर्नमेंट वेबसाइट, जो देखोगे यहाँ पे जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं उन पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। IBEF.org सबसे पहले सर आ जाओ इस वेबसाइट पे, ये वेबसाइट आपका आधा काम आसान कर सकती है। और स्टार्टिंग में आपको रिसर्च करना है ना, दिस वेबसाइट इज फैंटास्टिक। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको बहुत एडवांस लेवल पे जाते जाना है आइडली सच है वो किसी यूट्यूब वीडियोस में होगा, यू विल हैव टू जॉइन माई स्टॉक मार्केट कोर्स, जहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं और उनको हम बताते हैं ऐसे करो वैसे करो, मतलब देयर इज अ प्रॉपर थ्रू एंड फ्रो। बट इफ अगर आप अभी रेडी नहीं हो कोर्स के लिए, बाद में कभी करना चाहते हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, दिस विल ऑल्सो डू। बट अंडरस्टैंड दिस, ये उस लेवल पर, जितना डीपर जाने को मैं आपको बताता रहूँगा, थोड़ी मेहनत और लगेगी, बट 90% के लिए इतना लेवल बहुत है, ठीक है। आइए सर, अब यहाँ पे आप देखोगे इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं। यहाँ पे आप इंडियन इकोनॉमी क्लिक कर दो और इन्वेस्टमेंट्स, अब आप इंडस्ट्री में आ जाते हैं। हाँ, अब आपको देख रहे हैं कितने टाइप की इंडस्ट्रीज हैं। अब देखो यार, थोड़ा आपको शो से जूम इन करना पड़े, देख रहे हैं कितनी टाइप की इंडस्ट्रीज हैं। हमें क्या चाहिए, स्टील, टाटा स्टील में कर रहे हैं, कर दिया स्टील में क्लिक। अब सर ये देखो, रीड दिस, स्टील इंडस्ट्री क्या करती है, वन ऑफ द प्राइमरी फोर्सेज बिहाइंड इंडस्ट्रियलाइजेशन एनी डिसम्बर, ठीक है, ठीक है। लुक एट द मार्केट साइज, आपको यहाँ पे पूरा डेटा दिख रहा है, फिनिश स्टील एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आपको दिख रहा है कि FY22 में एक्सपोर्ट्स आर सो मच हायर देन इम्पोर्ट्स, कैन यू सी दिस, सिंपल है। आप इंडस्ट्री समझ जाओगे सर, आप इन्वेस्टमेंट देखिए, क्या क्या इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे हैं। मैं आपके सामने कुछ सैम्पल पढ़ रहा हूँ। इन August 2022 टाटा स्टील साइंड MOU विद पंजाब गवर्नमेंट टू सेटअप अ स्टील स्क्रैप बेस्ड इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस स्टील प्लांट, ओके। इन May 2022 स्टील प्लांट अनाउंस केपेक्स ऑफ ₹12,000 crores, विच इज ऑफकोर्स ब्रिलियंट। तो आप ये देख लो, अगेन वेट करो, नहीं गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी आपको यहाँ मिलते हैं। लोग पूछ रहे थे ना गवर्नमेंट क्या कर रही है, गोला तुम्हें कैसे पता, तुम्हारी टीम को कैसे पता चलता है, सर वो ऐसे पता चलता है, सारी इन्फॉर्मेशन गूगल पे अवेलेबल है, बस दिक्कत ही ना थोड़ा डर लगता है करने में, उसके लिए गोयला आपकी हेल्प कर देगा, ठीक है, रोड हेड। और अगर आपको चाहिए कि यार गोयला तो बहुत टेक्स्ट है, यहाँ पे आप आओ, क्लिक ऑन इन्फोग्राफिक्स, यहाँ पे आपको इन्फोग्राफिक्स में समझ आ जाएगा डेटा, समझ आ रहा है? अगर आ रहा है तो लिखो हाँ, राइट, यस। ये तो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, क्या ये सिंपल डेटा है, मार्केट साइज क्या है, कितना मार्केट साइज बढ़ा है, आपको इससे इंडस्ट्री का दोस्त आइडिया पड़ता है। अब ये देखो सेक्टर कंपैरिजन में आपको दिखा रहा हूं, ये है रॉ मटेरियल्स ऑफ स्टील इंडस्ट्री, लिक्विड स्टील, क्रूड स्टील,
ठीक है, इनग्रॉट, सेमीज, नॉन फ्लैट, फ्लैट, फिनिश स्टील, ठीक है, ये है कॉम्पोजिशन, अलॉय, नॉन अलॉय, स्टेनलेस स्टील, लो कार्बन, सिलिकन, सिलिकन इलेक्ट्रिफिकल, मतलब मुझे यहाँ तो पिक्सलेट हो रही स्क्रीन, ठीक है, मीडियम कार्बन, एंड यूज क्या है, स्ट्रक्चरल स्टील, फिर कंस्ट्रक्शन स्टील। आपको ये समझ आएगा स्टील के ट्रेंड, देख रहे हो पर कैपिटा स्टील की कंजप्शन कैसे बढ़ रही है देश में। दिस इज हाउ यू विल अंडरस्टैंड कि क्यों स्टील अच्छा है। सिंपल इंडस्ट्री एनालिसिस सर आपको पकड़ना है ऐसे, ठीक। ये तो हो गया IBEF.org, ये तो सिंपल वेबसाइट है, ठीक है, आप यहां जाओगे आपको सारा डेटा मिल जाएगा, जूम आउट कर दिया। अब मैं आता हूं इस वाले डेटा पे। अब गवर्नमेंट ने भी कोई डेटा निकाला तो ये भी देखेंगे, ये आइए अब इसको देखते हैं। एंड अगेन दोबारा मैं आपको बोल रहा हूँ, हो सकता है फिर टेक्स्ट पढ़ो बोलेगा भाई साहब मेरी बस की बात है ही नहीं, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ, ये सब बकवास अपने आपको कभी मत करना। अगर इफ़ यू आर समन जो अपने आपको शीशे देख रहे मैं निकल सा रहे मैं क्या हूँ, मत करना यार। जब मेरे स्टूडेंट्स मेरे सामने सब नाटक करते हैं मैं उनको एकदम सीधा करता हूँ, आई अंडरस्टैंड दिस, आप में वो स्ट्रेंथ है, इट्स जस्ट दैट कि वो बिलीव्स आपने दिमाग में बिठानी है कि फाइनेंस कॉम्प्लिकेटेड है, मैं नहीं कर सकता, अरे तो मैं एजुकेशन में नहीं हूँ, मैं पढ़ाई, ये सब बकवास की बातें हैं, राइट। तो अपने दिमाग में बिल्कुल बैठने मत देना, हाँ हो सकता है थक जाओगे ब्रेक ले लो, बट छोड़ना नहीं है हमें, और उसके लिए गोयल आपकी हेल्प करने को रेडी है पूरा, तो टेंशन मत लो, ठीक है। दोबारा अब मैं सेक्टर के लिए पढ़ रहा हूँ कि सरकार ने क्या बोला है, मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ आपके लिए, आइए सर थोड़ा इसको कैन आई लार्ज दिस एंड लार्ज दिस, कैसे लार्ज करूँगा यार आपके लिए इसको, मैं समझ नहीं आ रहा मुझे, जस्ट अ सेकंड, बेटर, मच बेटर, आई थिंक दिस मच बेटर, अगर बेटर है तो यार थोड़े हार्ट्स देते रहो कमेंट बॉक्स में, सो दैट आई नो कि ये आपको दिख रहा है, ठीक है। व्हाट डू आई वांट, आई डोंट वांट कि आप एक एक लाइन पढ़ो, बट हाँ आई वांट कि मेरे साथ गो थ्रू करो क्या क्या, और मैं आपको कॉमन कॉमेंट्स में प्रॉब्लम देंगे बताऊंगा। अब ये है, सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने स्टील सेक्टर का पूरा ओवरव्यू निकाला था। अब एज एज इन्वेस्टर हमारे लिए तो भाई बहुत जरूरी जानना है कि नहीं है, बहुत जरूरी है जानना है, तो वो हम जानते रहेंगे। आइए अब आप देखो जनरल सिनेरियो, ग्लोबल सिनेरियो, इन करंट ईयर 2021 द वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोडक्शन, क्रूड स्टील एक बेसिकली स्टील का एक रॉ मटेरियल का फॉर्म ही होता है, मतलब इससे एक बहुत रॉ से क्रूड स्टील इज द मिडिल रॉ मटेरियल, फिर आगे जाके फिनिश होता है, ब्रॉडली आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। और जैसे जैसे आप करते जाओगे ना दोस्त आप एक्सपोर्ट हो जाएगा, मुझे समझाओगे उसके बाद आप, ठीक है। तो क्रूड स्टील प्रोडक्शन रीच टिल दिस 1911 मिलियन टन एंड शोड अ ग्रोथ ऑफ 3.6% कहते हैं इन करंट ईयर 2020। फिर चाइना रिमेन्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रूड स्टील प्रोड्यूसर इन 2021 फॉलोड बाय इंडिया, जापान। आपको समझ आ रहा है इंडस्ट्री कैसी है, रीड दिस डोमेस्टिक सिनेरियो, द इंडियन इंडस्ट्री हैज एंटर्ड इनटू अ न्यू डेवलपमेंट स्टेज पोस्ट डीरेगुलेशन राइडिंग ऑन हाई रिसर्जेंट इकोनॉमी राइजिंग डिमांड फॉर स्टील। अगेन कॉम्प्लिकेटेड है ये लाइन पढ़ो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, होश हो गए सारे, बट इसको लॉजिकली पढ़ोगे इतना मुश्किल है नहीं, उसे दिमाग में दोबारा मैं पढ़ो। The Indian steel industry has entered into a new development stage. Steel industry development stage में आ गई है. Post deregulation, जब से regulation steel industry में कम हुई है. Riding on a high resurgent economy and rising demand for steel. मतलब क्या है? कि steel industry अब बहुत अच्छा कर रही है. क्यों? वो कहते हैं इसमें जो regulations थे वो कम हो गए हैं. Economy अच्छा कर रही है. Simple भाषा. इसको हाँ कॉम्प्लिकेट करके लिखा हुआ है, आई विश आसान टर्म्स में इसको कोई लिख देता जो आसान लोग समझ पाते इसको, बट जो है सो है यार, है ना। आओ मैं आपको एक और कुछ पढ़ाता हूँ, आई वॉन्ट यू टू रीड दिस, आपको लगेगा डिफिकल्ट, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है यार, आप एक बार पढ़ोगे ना आपको तभी अपने स्टॉक में कन्विक्शन आती है। यही डिफरेंस है एक बंदा जो टिप्स ले रहा है यूट्यूब से और दूसरा बंदा जो एक्चुअली खुद स्टडी कर रहा है। आपने स्टडी कर लिया सर आप स्टॉक बेचोगे नहीं, आपको कन्विक्शन आएगी, जो लोग बोलते हैं ना कन्विक्शन कन्विक्शन, जो जितने में आपको ऑथर कन्विक्शन की बात करते हैं वो कब आती है, जब आप उसको खुद पढ़ते हो तब आपको अधिक कन्विक्शन। आइए एक और चीज पढ़ते हैं, है ना। अब आप ये देखोगे ये और देखा, लेट मी हाईलाइट इट, आई होप यू कैन रीड इट हाईलाइट में, ठीक है। हार्ट्स दे रहे हो, थैंक यू सो मच फॉर द हार्ट्स, ठीक है। अब आ जाते हैं, इन दिस रोल द गवर्नमेंट हैज रिलीज अ नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 विच हैज लेड डाउन अ ब्रॉड रोड मैप फॉर इंकरेजिंग लॉन्ग टर्म ग्रोथ फॉर इंडियन स्टील इंडस्ट्री। क्या समझ आ रहा है, गवर्नमेंट पुश कर रही है स्टील इंडस्ट्री को, ठीक है, बोथ ऑन डिमांड एंड सप्लाई साइड। बाई 2030-31 द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो अनाउंस अ पॉलिसी फॉर प्रोवाइडिंग प्रेफरेंस टू डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर आयरन स्टील टू प्रोडक्ट्स इन द गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। अब मुझे बताओ समझ आया कि नहीं आया, आया तो लिखो यस, मतलब सिंपल है, सरकार बोल क्या रही है, दो
इसमें ये लिखा है कि 2017 में सरकार ने स्टील की इंडस्ट्री को पुश करने की कोशिश की, पुश कर रहे थे वो इंडस्ट्री को पुश, तो अब सरकार क्या कर रही है, उनको एडवांटेजेस दे रही है, उनके डिमांड में भी हेल्प कर रही है, सप्लाई में भी हेल्प कर रही है, तो एज ए इन्वेस्टर तो टाटा स्टील की अच्छी चीज नहीं है? ईजी है तो कमेंट बॉक्स में सर ईजी लिख दो, ईजी लिख दो, ईजी लिख दो कि बहुत आसान है। ठीक, आ जाओ, ठीक है, थोड़ा सा मैं पीछे आ रहा हूँ। आप देखो यहाँ पे प्रोडक्शन के बारे में लिखा हुआ है, कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करिए, और बहुत बार ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपको डॉक्यूमेंट डिफिकल्ट लगे ना, आप एक काम करो, इन डॉक्यूमेंट्स के ग्राफ्स पढ़ लो, ग्राफ्स तो पढ़ सकते हैं, वो तो आसान है। और स्टार्टिंग में मैं भी ऐसी करता हूँ, जब मुझे कोई डॉक्यूमेंट मिलता है ना, मैं ए टू जेड सुबह से पूरा पढ़ने लग जाता हूँ, मैं पहले से ग्राफ्स देखता हूँ मुझे क्या इंटरेस्ट करा, और फिर टक 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 करके मैं ग्राफ्स करता रहता हूँ। अगेन ये मेरा स्टाइल है, कुछ लोग टॉप टू बॉटम ही पढ़ते हैं, मैं क्या फिर पहले ग्राफ देखता हूँ, मेरा इंटरेस्ट जनरेट होता है तब मैं जाकर उसको फिर आगे पढ़ता हूँ। ठीक है, मेरा इंटरेस्ट जनरेट होना चाहिए उसमें पहली बात। ठीक है, इजी इजी, देखो यार इतना ना शेफ्स किस टू ऑल ऑफ यू, ओके आ जा, ठीक है मैं भावनाओं भेजाऊंगा ना। अब ये देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टेबल इज गिवन बिलो, प्रोडक्शन टोटल फिनिश स्टील, स्पंज आयरन, पिग आयरन, किस टाइप की प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, इसके नीचे आ जाइए सर, ये दिखा रहा है डिमांड कितनी है, नीचे आ जाओ, ये देखो ये दिखा रहा है कि इंडिया में स्टील का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हो गया है और इंपोर्ट हो गया बहुत कम। अब बताओ टाटा स्टील के लिए अच्छा है खराब है, गुड और बैड, इन द कमेंट बॉक्स यू टेल मी, इफ यू थिंक इट्स गुड लिख दो गुड, इफ यू थिंक बैड लिख दो बैड। हिंदुस्तान में स्टील का इंपोर्ट हो गया है बहुत कम और हम भर भर के एक्सपोर्ट कर रहे हैं, टाटा स्टील के लिए ये अच्छी चीज है खराब चीज है, इन द कमेंट बॉक्स टेल मी, आप मुझे बताओ, सिंपल लॉजिक है, इसमें कोई बड़ी डिग्री फैंसी कुछ नहीं चाहिए आपको, है ना, बताओ, वेट कर रहा हूं आपके कमेंट की। ऑब्वियसली इट्स गुड, इट्स सुपर गुड, गुड, वेरी गुड, अरुण सिंह गुड, आदित्य सेठ सिंह गुड, आरआईबी सिंह गुड, अंकित सिंह सिंह वेरी गुड, आई एम विक्रम सिंह, इट्स अ गुड थिंग, राइट राइट। अब ना गाइस आई विल टेल यू अनदर थिंग एंड आई रियली वॉन्ट यू टू पार्टिसिपेट इन दिस, हमारे मैं थोड़ा ब्रेक लूँ, 400K हो गए, थैंक यू सो मच, बहुत मेहनत के बाद 400K सब्सक्राइबर्स हुए, तो हम क्या कर रहे हैं यार, अब हमारे लिए हमारे पास एक गूगल फॉर्म है, ठीक है, ये आपको वीडियो के पिंड कमेंट में मिल जाएगा, आप देख लोगे, यहाँ पे आप जाओगे इस गूगल फॉर्म पे, यहाँ पे सिंपली मैं क्या चाहता हूँ, जो भी हमारा सिस्टम होगा, हम आपको 400K स्पेशल है, आप यहाँ जाओगे, सब फिल करोगे एंड यू विल गिव मी योर रिसर्च, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ ना वैसे ही आप मुझे अपनी रिसर्च सबमिट करोगे, फंडामेंटल टेक्निकल इन दैट सेम ऑर्डर, और जितनी भी अच्छी हो ना, अगर अच्छी हुई एंड इफ इट्स द बेस्ट वी विल रिवॉर्ड यू विद अ बुक एट योर एड्रेस, फिजिकल बुक आप बचेंगे एंड अ कॉल विद मी एंड रणदीप, दैट सॉर्ट आउट एवरीथिंग। ये क्यों है, दो चीज़ें, सबसे पहले सेलिब्रेशन है, वी वॉन्ट टू स्प्रेड लव एंड वी वॉन्ट टू गिव दैट गिव अवे, दूसरी चीज़ ये है कि वी वॉन्ट टू इंकरेज यू एंड हल्का सा जस्ट पुश यू टू स्टार्ट डूइंग रिसर्च, एक बार करोगे ना रिसर्च का नशा चढ़ जाएगा, रिसर्च में तमाम आता है। ठीक है, ओके डन, मैं दोबारा इधर आ रहा हूँ, इसको मैं सही रख रहा हूँ, लिंक मैं आपको बाद में दे दूंगा, लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा वैसे, ठीक है एंड दैट्स इट। ऐसे यार एक काम मैं सोच रहा हूँ कि लिंक दे ही देते हैं, है ना, तो मैं लिंक लाइव स्ट्रीम में मैं दे दिया है, ठीक है, तो कॉन्टेस्ट लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में डाल भी दिया, जो लाइव कमेंट्स है उसमें डाल दिया, अदरवाइज प्रिंट कमेंट्स में हो गए। ठीक है, दोबारा आइए, इंडस्ट्री एनालिसिस हो गया, अब आप देखोगे जो मेरी इंडस्ट्री एनालिसिस थी क्या थी, मैंने क्या लिया, मैंने वहीं से रिपोर्ट में लिया था कि अब स्टील की बात कर रहे हैं, टाटा स्टील इज इन अ कंट्री जहां पे इंडिया इज एक्सपोर्टिंग मोर इंपोर्टिंग लेस, इंडिया की डिमांड है, लुक एट दिस चाइनीज डिमांड ऑफ स्टील एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 2% जबकि वो 3.5% से गिर गई थी। ठीक, मैं आपको थोड़ा और जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है, यूरोपियन स्टील डिमांड एक्सपेक्टेड टू फॉल फर्दर, यूएसए की एक्सपेक्टेड टू ग्रो मॉडरेटली, तो इंडिया ही नंबर वन है यार स्टील पे, एंड दिस इज वाई स्टील इज सुपर स्ट्रॉन्ग, और ये पूरा इंडियन डिमांड का आपको दिख रहा है, और ये सारा डेटा मैंने वहीं से जिन सोर्सेज मैंने आपको बताया है मैं सब उन्हीं सोर्सेज से लेके आया हूँ, आप पढ़ोगे आपको सब समझ आ जाएगा। अब मैं आपको इंडियन स्टील के बारे में बताता हूँ, ठीक है, इंडियन स्टील डिमांड एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ रोबस्ट एट 6.2% इन दिस, यूएसए का इज मेरली एट 1% माइंड यू, सपोर्टेड बाई द स्ट्रॉन्ग जीडीपी फोरकास्ट, प्राइवेट कंजम्पशन एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। Look at this. Steel will continue to add capacity and utilization level is expected to remain healthy at 80%. Utilization level क्या होता है? अब जो companies होती है ना, इनकी capacity अगर 30 metric ton की है,
तो हमेशा फुल कैपेसिटी में कभी रन नहीं करते, तो जितना हाई कैपेसिटी में रन करेंगे उतना बेटर होता है, तो 80% विच इज एक्सीलेंट, राइट। तो इसलिए तो इंडस्ट्री आप देख रहे हो, इंडिया इज डूइंग सुपर सुपर। इफ इंडस्ट्री एनालिसिस क्लियर दिख दो, यस आपको समझ आया, मैं दोबारा रिमाइंड कर रहा हूँ। कंपनी एनालिसिस के लिए आप क्या करोगे, जब अबाउट द कंपनी आपको जानना है, सिंपली स्क्रीन पर चले जाओ, उनकी गूगल में वेबसाइट में चले जाओ, ठीक है। उसके लिए वरना क्या करोगे, आप लिखोगे यहाँ पे स्टील इंडस्ट्री एनालिसिस, स्टील इंडस्ट्री एनालिसिस आपके सामने आ जाएगा और आप कर दोगे सर्च। और जब आप करोगे ना, आपको दिक्कतें आएंगी आएंगी, बट कोई नहीं, आप भेजो। और अगर अगेन इफ यू स्टूडेंट्स का हमारा फायदा ही होता है कि व्हेन दे जॉइन है तो एक मेंटरशिप प्रोग्राम तो जिसमें उनको गाइड कर सकते हैं, बट इफ यू नॉट रेडी फॉर दैट कंप्लीटली फाइन, तो आप कमेंट कर देना, वील ट्राई बेस्ट टू रीच आउट यू, ठीक है। गुड 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 गुड, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, फैबुलस, ठीक है, ओके परफेक्ट, ईजी है ना। अब आते हैं कंपनी एनालिसिस पे। सर देखो हमने क्या किया, हमने ये जान लिया, ये देखिए हमने क्या दिया, अबाउट द कंपनी हमने जान लिया, क्लियर हो गया, इंडस्ट्री जान ली, गवर्नमेंट क्या कर रही है पता चल गया, बहुत अच्छा कर रही है स्टील में, ठीक है, कंपटीशन स्टील, टाटा स्टील इंडिया में तो नंबर वन है ही, एंड बाहर इंटरनेशनली आप देखोगे तो इंडिया इज डूइंग सुपर, तो इंडस्ट्री वाइज तो दिस इज अमेजिंग। अब बात आती है कंपनी की, क्या कंपनी अच्छी है, क्या कंपनी एनालिसिस कैसे करें। अब आप मुझे बताओ कंपनी एनालिसिस कहाँ से होती है, एक बार आई वॉन्ट यू ट्राई, बताइए सर वेर डू थिंक द कंपनी एनालिसिस इज फ्रॉम, पहले मुझे बताइए कंपनी एनालिसिस किधर से होगी। मैंने कोई पॉइंट मिस तो नहीं किया, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ठीक। अब मैं बता रहा हूँ कंपनी के बारे में कैसे पढ़ना है, आइए, ठीक है। यार लोग डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के लिए बोल रहे हैं, अभी ना मैं सिर्फ टाटा स्टील का ही मैंने पूरा बनाया हुआ है, ठीक है, टाटा स्टील ही मैं देख रहा हूँ, एंड आई वांट टू स्टिक टू टॉपिक। बट अगर इस वीडियो पे, इस लाइव वीडियो मुझे 5000 लाइक्स आए तो मैं गोयला समझ जाएगा आपको ऐसी वीडियोज पसंद है, लाइव रिसर्च पसंद है, तो मैं लाइव रिसर्च करूंगा ऑन द स्टॉक यू नेम, ठीक है। फिर बाद में तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रिसर्च कर सकते हैं, तो आई थॉट लाइव ट्रेडिंग करते हैं, लाइव रिसर्च करते हैं और मजा आएगा, ठीक है, आओ। तो उसके बाद अच्छा अब मैं जानूँ कंपनी एनालिसिस, ठीक है, सिंपल, मैं जो इस सबको हटा रहा हूँ। कंपनी एनालिसिस में आप कहाँ जाओगे, screener.in पे जाओगे, screener.in पे जब आप जाओगे डॉक्यूमेंट्स पे, सबसे पहला इनकी एनुअल रिपोर्ट आप डाउनलोड करोगे कंपनी की, मैं दोबारा जूम इन कर रहा हूँ आपके लिए। पहले सर आप एनुअल रिपोर्ट कंपनी डाउनलोड मारोगे, ये खोल दी मैंने एनुअल रिपोर्ट, ठीक है, दिख रहा है कितनी लंबी है ये आपको, देखो कितने पेजेस की है ये, मतलब ये 625 पेज की एनुअल रिपोर्ट है, नहीं 260 दिखा रहा है मुझे, इफ आई लुक एट द इंडेक्स मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको दिख रहा है, ये सर इंडेक्स है, तो ये एनुअल रिपोर्ट है, लंबी है, आप पेज नंबर देख लो लंबी है, बट चिंता मत लो गोला आप साथ बैठा हुआ है। तो सबसे पहले तो जब आपको कंपनी स्टडी करनी है आप एनुअल रिपोर्ट खोलोगे, उसके बाद आप खोलोगे इसकी क्रेडिट रेटिंग। अब जैसे इकरा है, ये कंपनी क्या करती है, हर कंपनी को क्रेडिट रेटिंग देती है, इन इकरा जैसी ऑर्गेनाइजेशन ने आपकी कंपनी में ऑलरेडी रिसर्च कर रखी है, तो आपको बस इनका रिसर्च पढ़ना है, आपको खुद एफर्ट भी नहीं करना, मतलब सब कुछ अवेलेबल है आपके पास, सब कुछ, ठीक है, आओ सर। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे सब स्क्रीन पे आपको फ्री मिलेगा, यू डोंट नीड टू पे फॉर दिस, ये इसके बाद आप यहीं पे जाओगे पीपीटी, एक सेकंड को यार, यहाँ पे आप आए, हाँ मैं आपको फिर दिखाऊं, टाटा स्टील स्क्रीन पे डॉक्यूमेंट्स पे आप आओगे, मैंने एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड की, क्रेडिट की, कॉन कॉल्स भी कर सकता हूँ बट वो है नहीं यहाँ पे, तो मैं करूँगा पीपीटी, पीपीटी आई शो यू क्या होती है। पीपीटी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है बाय द कंपनी कि क्या हो रहा है, कंपनी हर क्वार्टर देती है कि कंपनी कैसा अच्छा कर रही है, और उसको बस ये 6-7 पन्नों की होती है, इसको आपको पढ़ना है, और पढ़ना क्या, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, ट्रस्ट गोयला, ठीक है। चलो तो आप शुरू करते हैं, सबसे पहला किससे हम शुरू करेंगे, हम शुरू कर रहे हैं विद कंपनी एनालिसिस। अब सबसे पहले जब आप कंपनी एनालिसिस में देखोगे, मैं चाहता हूं आप खोलो कंपनी की एनुअल रिपोर्ट, ये एनुअल रिपोर्ट है। आधे लोग एनुअल रिपोर्ट से डर के बैठे हैं, ओ हम नहीं पढ़ सकते, और ये सब बकवास आइडियाज छोड़ दो, आप गोयला कम्युनिटी में ये सब नहीं चलेगा। एक्चुअल फैक्ट आपको एनुअल रिपोर्ट थोड़ी पढ़नी पड़ेगी,
और बहुत मजा आता है। और इसमें ना एक और चीज है यार कि अब एनुअल रिपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि आप एंड टू एंड सारे 600 पन्ने चार्ट डालो पढ़ डालो, नहीं, आपको वो पढ़ना जो आपको चाहिए, ठीक। जनरली एंड प्लीज राइट दिस डाउन, व्हाट डू यू नीड मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस, MDAs। मैं आपको भी पूरी कंपनी का इंडेक्स दिखाता हूं, आइए। जैसे आप देख रहे हैं यहां पे क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहला रिपोर्ट फाइल कंटेंट्स मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। स्टील, टाटा स्टील एट अ ग्लांस, ऑपरेशंस कैसे हैं, इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल, बिजनेस मॉडल क्या है, ये थोड़ा डिटेल में जाता है, अगर आपको जाना है ठीक है, अदरवाइज आप स्क्रीनर से अबाउट द कंपनी जान लो, इट्स गुड इनफ, राइट। फिर स्ट्रैटेजी क्या है, मतलब टाटा की बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या है, हाउ डू दे मूव फॉरवर्ड, वैल्यू क्रिएशन क्या है, फाइनेंशियल कैपिटल कैसे कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल कैपिटल क्या है, ह्यूमन कैपिटल, नेचुरल कैपिटल। अब अगेन हर एनुअल रिपोर्ट का इंडेक्स और डिफरेंट होता है, विच आई थिंक इज रिडिक्युलस, सबका सेम होना चाहिए सो दैट इन्वेस्टर्स लीज यू, बट अब होपफुली विद टाइम होगा चेंज। तो ये नहीं है, व्हाट डू वी वांट, वी वांट टू कम हियर इन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स। यहाँ पे अब लिखा नहीं इन्होंने एमडी मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस, बट मुझे मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस चाहिए होता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है। जैसे मैं आपको, अच्छा मुझे किसी और कंपनी का नाम बताओ, किसी और कंपनी के एनुअल रिपोर्ट खोल के आपको दिखाऊं, ठीक है, मुझे किसी और कंपनी का नाम बताओ, कौन सी कंपनी ले, कौन सी कंपनी ले, टाटा टाटा जोमाटो ले लेते हैं यार, अपना फेवरेट जोमाटो, जोमाटो जोमाटो, ओके जोमाटो में मैं आ गया, ठीक है, मैं जाऊंगा फाइनेंशियल एनुअल रिपोर्ट, मैं आपको दिखा रहा हूँ डिफरेंट टाइप के एनुअल रिपोर्ट कैसी होती है, ठीक है। तो जोमाटो की एनुअल रिपोर्ट, ठीक है, अब आप उनका देख लो, यहाँ पे सीधा लिखा है मैनेजमेंट जोमाटो ने टेबल ऑफ कंटेंट मैनेजमेंट डिस्कशन आता है, आपको सीधा यहीं जाना है, ये खोलिए इस पार्ट में जाना है, मैं भी आपको बताऊंगा क्या है। अब टाटा स्टील में वो नहीं दे रखा, टाटा स्टील में स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स के अंदर है, तो हम इधर जाएंगे, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, कौन से पेज जाता हूँ, इस पेज में जाता हूँ, 200। अब जब आप मैनेजमेंट डिस्कशन ऐसे पढ़, अगेन आपको लग रहा होगा डिफिकल्ट है, बट डिफिकल्ट नहीं है, ट्रस्ट मी डिफिकल्ट नहीं है। अभी आपको लग रहा होगा मुझसे नहीं होगा, ये सब छोड़ दो, ये सब गोले साथ ये सब नहीं चलता, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जब आप मैनेजमेंट एमडीए पढ़ना शुरू करोगे, ठीक है, सपोज आपने शुरू किया, चलो यहाँ से कर लिया, प्रोडक्शन एंड स्टील, प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ स्टील डिविजन, तो आ जाएगा आपको दिख रहा है कि चलो दिस इज इंक्रीजिंग, दिस इज सेल्स, दैट इज प्रोडक्शन विच इज गुड। मैं नीचे आता रहूँगा, नीचे जस्ट कीप इन द हेडलाइंस, ठीक है, मार्केटिंग सेल्स है, कम्युनिटी एट द सेंटर एंटरप्राइज, ऑटोमोटिव स्पेशल प्रोडक्ट्स, टाटा स्टील, देन इंडस्ट्रियल प्रॉस्पेक्ट्स, ठीक है, फिर मैं और नीचे आऊँगा, एक्सपोर्ट्स, सर्विस सॉल्यूशंस, डिजिटल सॉल्यूशंस, सस्टेनेबल सॉल्यूशंस, तो आपको देख रहा है इट इज़ क्वाइट सिंपल, इट इज़ क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, ठीक। यहाँ से आप डेटा कलेक्ट कर लोगे, आपको समझ आई कंपनी क्या करिए क्या नहीं करिए। जैसे मैंने यहीं से डेटा उठाया था, मैं देखूँ एग्जैक्टली कौन सा पेज मैं भूल रहा हूँ, पेज अगर मैं देखूँगा, मैंने कंपनी एनालिसिस में 253। बाय द वे ना, लेट मी गिव टू यू, सारी रिसर्च मैं अकेले नहीं करता हूँ, तो मेरी टीम भी है, तो वो भी मेरी हेल्प करते हैं, ठीक है। 253 अब आज कैन सी हियर इनिशिएटिव्स में टाटा क्या है, टाटा के नए प्रोडक्ट्स के ट्रायल्स हो रहे हैं, इज अ गुड थिंग, ठीक है। ब्लेंड ऑप्टिमाइजेशन, एडवांटेज अपॉर्चुनिटीज आ रही है, ठीक है, मतलब कि वो डिफरेंट मेटल्स को मिलाएंगे, एज आप पढ़ो यहाँ पे, इट्स ईजी, आई वॉन्ट यू रीड दिस, ठीक है। न्यू प्रोडक्ट ट्रायल्स, इन ऑर्डर टू इंश्योर लॉन्ग टर्म सप्लाई एंड सिक्योरिटी एंड स्टेबल सप्लाई, न्यू कोल्ड ट्रायल्स आर अंडरटेकन बाई द कंपनी थ्रू अ स्ट्रक्चर्ड ट्रायल प्रोसेस विच हेल्प द कंपनी टू डाइवर्सिफाई द सोर्स एंड सप्लायर बेस। क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है, एक बार शांति से गिव टू सेकेंड्स, एक बार रीड इट, एक बार जस्ट ग्लांस इट। विकास अडानी, नेक्स्ट टाइम अगर इस वीडियो में 5000 लाइक्स आ गए मैं अडानी पे भी करूंगा प्रॉमिस, बट आज टाटा स्टील यार, ठीक है, रीड इट। क्या मतलब है इसका, कि कंपनी अच्छा कर रही है, कंपनी नए नए प्रोडक्ट्स ट्राई कर रही है, सिंपल, ठीक। आइए फिर आता है ब्लेंड ऑप्टिमाइजेशन टू टेक एडवांटेज ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटीज, कंसिडरिंग वाइड स्प्रेड्स अक्रॉस द ग्रेड्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, RB1, ये सब टाइप ऑफ ग्रेड्स है। वैल्यू क्रिएशन हैज अचीव्ड बाय ऑप्टिमाइजिंग ब्लेंड्स थ्रू क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन। क्या मतलब है, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके टू गेट एडवांटेजेस मोर। उसके बाद MOU साइन विद स्ट्रेटेजिक सप्लायर्स एंड डी कार्बोनाइजेशन प्रोजेक्ट्स, रीड दिस।
MOU साइन किया है विद वन ऑफ द लीडिंग कोल सप्लायर्स फॉर एक्सप्लोरिंग एंड डेवलपिंग बायोमास बायोचेयर इन स्टील मेकिंग. ठीक है, डेवलपिंग कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन. क्या मतलब है इसका? मतलब सर सिंपल है इसका कि वो कार्बन मतलब कार्बन फुटप्रिंट भी कम कर रहे हैं, वही रिन्यूएबल एनर्जी वाला फंडा जो है, एंगल जो है. इजी नहीं है, आपको लग रहा होगा डिफिकल्ट है, बट आसान है. अब दूसरी चीज, आप जाओगे इधर. अब यहां पे मैं दिखाता हूं इकरा की, इकरा ने क्या बता के रखा है. ठीक है, रेटिंग कंपनी ने टारसी को रेट कर रखा है. अब सीधा आप यहां स्क्रॉल करते रहोगे सर, ये देखिए क्रेडिट स्ट्रेंथ. ठीक है, इस कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, क्या स्ट्रेंथ नहीं है. इस कंपनी के यहाँ पे वीकनेसेस भी आ जाएंगे. जैसे टाटा स्टील की स्ट्रेंथ क्या है, आइए सर. फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइल कंटिन्यूज टू रिमेन कंफर्टेबल डिस्पाइट मॉडरेशन अर्निंग इन FY23. क्या मतलब है इस लाइन का? मतलब जो इस कंपनी पे रिस्क है, जबकि इनके अर्निंग्स मॉडरेट रही है, उसके बाद भी इट्स गुड बिकॉज ये कंपनी स्ट्रांग है. आप डिटेल पढ़ सकते हो, आपके साथ मैं एक लाइन पढ़ता हूँ. चलिए ठीक है, मैं रैंडम कोई लाइन पढ़ रहा हूँ. ठीक है, फिर नाउ नॉट, यहाँ से नॉट विथ स्टैंडिंग द सिक्वेंशियल मॉडरेशन इन प्रॉफिट्स इन FY23 फ्रॉम हाई लेवल्स रिकॉर्डेड इन FY22. ठीक है, द फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइल ऑफ द कंपनी रिमेन्स कंफर्टेबल बिकॉज ऑफ द एग्रेसिव डी लेवरेजिंग डन सिंस FY21. क्या अच्छी चीज़ है? ऑफकोर्स अच्छी चीज़ है. ठीक है, और लार्ज स्केल ऑपरेशन ग्लोबली विद ग्लोबली वाइड डिस्ट्रीब्यूशन रीच. तो क्या टाटा स्टील स्ट्रॉन्ग है? बहुत स्ट्रॉन्ग है. ये खुद इकरा की रिपोर्ट बता दी है कि इन्होंने पूरी रिसर्च कर रखी है इसमें. उसके बाद डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट मिक्स, टाटा का बहुत हैवी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट मिक्स है. डिफरेंट टाइप के अलॉयज बनाए, डिफरेंट टाइप के स्पंज आयरन्स, कोल आयरन्स, सभी कुछ कर रहे हैं. राइट, उसके बाद कैप्टिव आयरन ओर एंड कुकिंग कोल माइंस प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिवली पार्टली इंसुलेट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक ऑपरेशंस फ्रॉम वॉलेटिलिटी इन रॉ मटेरियल प्राइसेस. मैं डिटेल में जा रहा हूँ, आप बस सिंपल एक लाइन से सोचो क्या मतलब है इसका. मतलब सिंपल है कि जो भी इनका प्रोडक्शन हो रहा है, जो इनके पास डाइवर्सिफिकेशन है, इनको हेल्प कर रहा है आगे जाके. अब इसमें नेगेटिव भी आते हैं, लुक एट दिस. नेगेटिव क्या है? वॉलेटाइल एंड लो प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम इंटरनेशनल ऑपरेशंस, इनहेरिट साइक्लिकलिटी ऑफ द स्टील सेक्टर, एक्सपोजर टू रेगुलेटरी रिस्क. क्यों? स्टील गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, तो ये सारे रिस्क आपके सामने है. कंपनी के रिस्क रिवॉर्ड सारे. अब ऑनसे बताऊं, आपको गोला की वीडियो को वेट करने की जरूरत नहीं है, आपको मेरी वीडियो को वेट करने की जरूरत नहीं है, ना किसी और की वीडियो को वेट करने की जरूरत है. आप ये खुद कर सकते हो यार, और तभी तो इन्वेस्टर बनोगे खुद. अब टाटा स्टील एक साइक्लिकल सेक्टर है. अब आप बोलोगे गोला ये कहाँ पड़ा यार, ये इसलिए पड़ा, मतलब अब तो इंडस्ट्री में रह के आपको आइडिया पड़ जाएगा. साइक्लिकल सेक्टर्स क्या होते हैं? जो स्ट्रक्चर होते हैं जो ऐसे ऐसे ग्रो करते हैं, सीधा साइक्लिकल, जो ऐसे ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे. टाटा स्टील एक साइक्लिकल सेक्टर है. ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे. आइए, ये मैं टाटा स्टील पे आ गया हूं. यू लुक एट द प्रॉफिट एंड लॉस शीट में मैं जा रहा हूं. लुक एट दिस ऑपरेटिंग प्रॉफिट, आप देख रहे हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, देखिए कैसे स्विच हो रहा है. 13% इफ यू आर सीइंग दिस, लिखो यस इन द कमेंट बॉक्स. 13%, 2%, 16%, 23%, 28, 30, 27, 26, 22, 24, 10, 7. मतलब आर यू सीइंग दिस? यार मैं साइड स्क्रॉल कैसे करते हैं यार, सो इरिटेटिंग. सॉरी, जूम हो जाता है, साइड स्क्रॉल नहीं होता, फिर गलत है ना, फिर बताओ यार, गलत तो है यार. देखो फिर साइड स्क्रॉल नहीं हो रहा. आ थैंक गॉड. ठीक है, आ जाओ. तो अब देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या हो रहा है इनका. मैं आपको ये प्रॉफिट लॉस दिखा रहा हूँ ना, ये यस. नाउ लुक एट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, 17, 19, 26, 13. इट्स साइक्लिकल सेक्टर. तो क्या ये बहुत स्ट्रॉन्ग है साइक्लिकल सेक्टर? नहीं, साइक्लिकल सेक्टर में ना थोड़ी स्टडी ज्यादा करनी पड़ती है. इसलिए टाटा स्टील में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोच रहे हो तो यू शुड स्टडी मोर. ठीक है, अब यहाँ पे आपको कॉम्पिटिशन एनालिसिस भी आ जाएगा. लुक एट इंटरेस्ट कवरेज, इंटरेस्ट कवरेज जितना ज्यादा उतना बेटर है. मतलब कितना कंपनी इंटरेस्ट को पे कर सकती है, कितना पैसा अपने पास बैकअप पे रखा हुआ है. सिंपल भाषा में टाटा स्टील 3.84%, इतना ज्यादा नहीं है एक्चुअली. ठीक है, उसके बाद है ROCE, द हायर द बेटर. टाटा स्टील 15, PE की बात करूँ टाटा स्टील 18, द लोअर द बेटर. डेट इक्विटी इज ओनली 0.82, विच इज फैंटास्टिक. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो हाईएस्ट है 13%, विच इज अगेन ग्रेट. तो अगेन मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये मैंने कंपनी एनालिसिस क्या किया. अब आप देखो मैं कंपनी एनालिसिस कैसे करता हूँ. रॉ मटेरियल्स का जो आ गया मैंने आपको दिखाया था. ठीक है, ये मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन स्क्रीन पे आपको दिखाया था. साइक्लिकल मैंने आपको दिखाया मार्जिन,
उसके बाद डाइवर्स प्रोडक्ट मिक्स वो हमने पूरा पढ़ा, एकरा की रिपोर्ट में पूरा पढ़ लिया सिंपल है। इसके बाद अगर आपको और डिटेल में, सी डिटेल में जितनी आप जाओ ना कोई लिमिट नहीं है यार, कोई लिमिट नहीं है। और अपने स्टॉक्स में आप घुस जाया करो सीधा, लिमिट नहीं है कोई। अब आप यहाँ पे आइए, मैं आपको जैसे टाटा की प्रेजेंटेशन दिखाता, ये टाटा की प्रेजेंटेशन है, हर क्वार्टर आती है, सिंपल है, कुछ नहीं डेटा है, बस डेटा पढ़ो आपको खुद समझ आ जाएगा, सिंपल डेटा है। जैसे टाटा स्टील फोकस ऑन मार्केट लीडरशिप चोजन सेगमेंट्स, ऑटो एंड एक्सेसरीज मतलब गाड़ियों में टाटा स्टील मार्केट लीडर है, ठीक है, एनर्जी में मार्केट लीडर है, पैकेजिंग में लीडर है, स्टील का बहुत यूज केस होता है, स्टील के कंस्ट्रक्शन में, फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में मार्केट लीडर टाटा स्टील। आइए सर, प्रोडक्ट मिक्स ओरिएंटेड ग्रीन फील्ड ऑपरेशन आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, राइट, सम माइलस्टोन्स वी आर प्राउड ऑफ, टाटा स्टील ने अभी तक क्या क्या किया है, 100 ट्रांसजेंडर एम्प्लॉइज ऑन बोर्ड, ओह वेरी इंटरेस्टिंग, इंप्रूवमेंट इन सेविंग्स ऑफ 6,300 प्लस करोड़, फिर कंसिस्टेंट स्पेंड ऑन R&D, 150 पेटेंट्स फाइल्ड एंड ग्रांटेड। वाओ, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इन्होंने प्रोडक्शन बढ़ा दिया, तो ये आपको साइंस देता है कि कंपनी अच्छी, ये फंडामेंटल ऐसे कोई बोलते हैं यार, और इतनी ये एक्चुअली इतनी इजी है, जो होता है ना बड़े बड़े फंड मैनेजर जो बिजी हैं जो कर रहे हैं, इट्स दैट सिंपल, इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल। अगर आपको 5-6 सोर्स से पता है आपको हो जाएगा। द ओनली चैलेंज यू विल फेस इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द कंपनी, इफ यू हैव नो आइडिया अबाउट द इंडस्ट्री, आपने बस स्टॉक खरीद के इन्वेस्ट कर दिया है, तो आपको डिफिकल्टी आएगी। तो या तो आप यू विल यूज टू, या फिर गेट यूज टू इट, या तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि स्टार्ट विद दैट इंडस्ट्री जिसका आपको समझ आता है, तो आपके लिए भी इजियर है। ठीक है, डन 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 डन, ये भी सर डन हो गया, कंपनी एनालिसिस क्लियर, इफ इट वॉज ईजी तो लिख दो ईजी, और इसे बहुत टेंजेंट्स है, मैं तो आपको बोला आप खुद करो, आपको खुद 50 सीधे मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करूंगा। ये देखिए सर, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है, सेल्स ग्रोथ 18%, प्रॉफिट ग्रोथ -7%, ROE 7.28%, ROCE 12.8%, डेट इक्विटीज ओनली 0.82%। फिर आते हैं ये टेक्निकल्स में, टेक्निकल्स में क्या है, इट्स अ साइडवे थिंग गोइंग, जैसे मैं आपको यहाँ टेक्निकल्स में दिखाऊं, मैं ट्रेडिंग व्यू खोला था एक बार, एक सेकेंड जैसे, एक सेकेंड दोस्तों, नहीं खोल देते हैं, कोई नहीं, इसमें क्या दिक्कत की बात है, आइए तो मैं आप ट्रेडिंग व्यू खोल देता हूँ। अब इस पर थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं चार्ट में, है ना, थोड़े हाथ उसमें भी साफ कर लीजिए। अब एज यू कैन सी है, मैं सिंपल सपोर्ट सिस्टम ड्रॉ कर रहा हूँ, ज्यादा मुझे इसमें वो पढ़ना ही नहीं है, एज ए इन्वेस्टर आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप सपोर्ट सिस्टम ड्रॉ करोगे, सबसे पहला टाटा स्टील मूविंग एवरेज के ऊपर है, 200 DMA के ऊपर है, तो इट्स अ गुड साइन। दूसरा, अगर टाटा स्टील ने इस सपोर्ट को, उसको तोड़ दे रेजिस्टेंस को, तो टाटा स्टील कहाँ जाएगा, और ऊपर, सिंपल हो गई सर आपकी पूरी स्टडी डन। इफ इट वॉज ईजी कमेंट बॉक्स में ईजी लिख दो, एंड यही आई वॉन्ट यू टू ट्राई, जो हमारा कॉन्टेस्ट है, मैं चाहता हूँ कि आप ये खुद ट्राई करो और मुझे बताओ कि वॉट स्टॉक आर यू स्टार्टिंग, और अगेन इट डज नीड टू बी परफेक्ट, ऐसे नहीं कि आपको परफेक्ट जरूरी है, बट ट्राई तो करो यार, और क्या पता जीत जाओ, और क्या पता आप जीत जाओगे, तो दोस्त आप फिर सीधा गोला के साथ ही कॉल पे आने वाले हो, आप फिर सीधा मेरे साथ कॉल पे आओगे। तो दिस इज अ 400K सब्सक्राइबर स्पेशल, ये कॉन्टेस्ट है, इफ यू वॉन्ट पार्टिसिपेट प्लीज पार्टिसिपेट, आर ओनली इंटेंशन हियर इसकी आप पार्टिसिपेट करो, हमारी खुशी में भी हमारा पार्ट बनो, एंड ऑल्सो यू ग्रो योर सेल्फ, इट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। दिस जो पूरा आपको मैं बता रखा है, इफ यू वांट टू स्टार्ट, ऑफ कोर्स यू आर मोर देन वेलकम टू स्टार्ट, सब आपके सामने है, राइट, वेल दैट वॉज इट लेडीज एंड जेंटलमैन। सो ये था पूरा रिसर्च का फंडा, सारे टूल, सारी चीजें। अगर इस वीडियो में मुझे 5,000 लाइक्स के ऊपर मिलते हैं, तो फिर आई विल अंडरस्टैंड कि आपको ऐसी वीडियोज पसंद है, एंड 940 हो गया, वीडियो काफी लंबी खींची है, बट आई होप यू लाइक इट। आपको ऐसी और लाइव वीडियोस चाहिए बताना, और कमेंट बॉक्स में ये बताना कि लाइव वीडियोस अगर चाहिए तो कौन कौन सी स्टॉक्स चाहिए, सो दैट हम उसमें हेल्प कर पाए। ठीक है, तब तक इजी इजी, देखो यार इतनी मैं मोहब्बत करता हूँ आप लोगों से, परफेक्ट। सो वी हैव टेक्निकल पांडा, वी हैव रौनक हियर, परफेक्ट। चलो गाइस, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच,
मिलते हैं आपसे, आप प्लीज अपना ख्याल रखो, एंड 400K के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस, एंड कीप सपोर्टिंग अस, दैट्स इट.